इस वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर को देखेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन ऑपरेंड्स होते हैं। तो जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है उसको तो हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें दो ऑपरेंड्स होते हैं उसको हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिस ऑपरेटर में तीन ऑपरेंड्स होते हैं उसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसको मैं आपको आगे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है इसमें हम कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे अगर मैं कोई ऐसी कंडीशन लगाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा वेब पेज है वहां पर सिर्फ वो ही जा सके जिसने वहां पर लॉगिन किया हो, अगर वो लॉगिन नहीं करता उसको कोई और पेज पर ले जाए, तो ऐसे करके हम कंडीशन लगा सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल हो गई, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जो टर्नरी ऑपरेटर होता है उसमें तीन ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर में हम कंडीशन लगाते हैं, अगर उसका रिजल्ट ट्रू होगा, यानी कि कंडीशन मतलब कि कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो अगर उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा तो वो उससे अगले ब्लॉक पर चला जाएगा, अगर रिजल्ट फॉल्स होगा तो वो लास्ट वाले ब्लॉक पर चला जाएगा। ठीक है, ये काम होता है टर्नरी ऑपरेटर का। कंडीशन लगे होते हैं, कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप आगे जा पाएंगे, वरना आप आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे मान लो कि अगर आप कोई ऐसे कंटेंट को देखना चाहते हैं जिस पर सिर्फ 80 या 80 से अबव लोग ही देख सकते हैं, तो वहां पर हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर आपकी एज 80 या 80 से अबव है तब आप वहां पर जा पाए, अगर आपकी एज 80 से कम है तो आप मेरे लास्ट वाले ब्लॉक में चले जाएं। तो ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस टर्नरी ऑपरेटर के एक एक्सरसाइज दूंगा, आपको उस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, और लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी थी उसको भी हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। चलो फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अच्छे से कंडीशनल ऑपरेटर को देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर है ना, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूं। तो कैसे लगाएंगे, चलते हैं यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। अब क्या होगा, अब अगर इसका रिजल्ट ट्रू आएगा तब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं लगाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर, तब क्या हो, तब इसके अंदर जो मैं लगाऊं वो चले। मैं यहां पर चाहता हूं तब अलर्ट आ जाए कि यस, जहां लगा देता हूं फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लगाऊंगा कोलन, और अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, अब मैं यहां पर बोलता हूं कि अलर्ट, फिर से अगर ये फॉल्स है तब क्या हो, तब यहां पर चले सेकंड, सेकंड ब्लॉक, लास्ट में सेमी कोलन। थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो। तो ये देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर यहां पर ट्रू आ जाएगा तो फर्स्ट ब्लॉक चलेगा, ठीक है, अगर यहां पर फॉल्स आ जाएगा तो सेकंड ब्लॉक चलेगा। तो ये देखो सेकंड ब्लॉक चला है, क्यों चला है दोबारा से दिखाता हूं, रिफ्रेश किया, सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक क्यों, क्योंकि ए बड़ा नहीं है बी से, ठीक है। अगर मैं यहां पर 15 करता हूं तो अब कौन सा ब्लॉक चलेगा, अब फर्स्ट ब्लॉक चलेगा, क्योंकि अब ये कंडीशन ट्रू है, ये देखो फर्स्ट ब्लॉक। तो क्या होता है कि अगर आप कोई कंटेंट या कोई भी डाटा सिर्फ उन्हीं को दिखाना चाहते हैं जिनकी एज 80 हो या 80 से ज्यादा हो, तब हम कंडीशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो जैसे जो ए है, ठीक है, ए एक बॉय है, तो समझ लो कि ए एक बॉय है, तो मैं चाहता हूं कि अगर उसकी जो एज है वो 80 से ज्यादा है तभी उसको ये दिखे। अगर मैं यहां पर लगा देता हूं कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर 80 से कम हुआ तब उसको सेकंड ब्लॉक दिखेगा, अगर 80 या 80 से ज्यादा होगा तो उसको फर्स्ट ब्लॉक दिखेगा। सेव किया, आप देखना अब उसको सेकंड ब्लॉक दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अब उसकी एज जो है 5 है। अगर मैं यहां पर 80 कर दूं तो अब उसको फर्स्ट ब्लॉक दिखेगा, ये देखो फर्स्ट ब्लॉक। तो ऐसे करके आप कंडीशन लगा सकते हैं, ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल दी है। तो ऐसे आप बहुत सारी कंडीशन का यूज करते हैं, आगे हम बहुत सारी कंडीशंस लगाएंगे, जब हम बहुत सारे लॉजिक लगाएंगे तब हम कंडीशनल का भी यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज होता है इनका, फंक्शन कंडीशन ये सबका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो अब बारी है आज के होमवर्क की, आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, आपके पास दो नंबर है ए और बी, ए और बी में से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हमने प्रिंट करवाना है, बस यही काम करना है आपको। तो इसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। जैसे अगर मैं यहां पर लेटर ले लिया ए, और यहां पर मैंने 8 कर दिया, और ले लिया बी, और यहां पर मैंने 9 कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन है, बी है। ये तो मैं ऐसे देखकर बता रहा हूं, पर आपको ऐसे देखकर नहीं बताना, आपको कंडीशन लगानी है। आप जब कंडीशन लगाएंगे तो उस अकॉर्डिंग जो भी लार्जेस्ट होगा वो प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट कैसे, डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर लेते हैं,
और यहां पर मैं कर देता हूं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर इज, और यहां पर मैं कर देता हूं बी। और चलते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर, इसको मैं कमेंट बनाता हूं, नीचे चलता हूं, कमेंट से हटाता हूं, यहां पर एक्सरसाइज डॉट जेएसएस, जेएस। चलते हैं ब्राउजर पर, तो ये देखो लार्जेस्ट नंबर इज 9। तो अगर मैं ए करूंगा तो अब यहां पर 8 आ जाएगा। तो यही काम आपको करना है कंडीशन ऑपरेटर में, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना है। वहां पर आपने कंडीशन लगानी है, जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसको प्रिंट करवा देना है। मुझे पता है कि आप सबसे हो जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये ना होगा, बट अगर जिसको कोई प्रॉब्लम आएगी, जिसको नहीं पता चला, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी, इतनी चिल करो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, मैंने बोला था कि आपने बस मुझको ये बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फिर फोर्स आएगा, बस इतना सा काम था। ज्यादा तो मैं आपको काम देता ही नहीं हूं अभी, बस यही आपको करना था कि आपने बताना था इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फोर्स आएगा। तो अगर तो आपने ट्रू बोला, तुक्का लगाया होगा, जहां फोर्स बोला होगा तुक्के से बोला होगा, तो कोई बात नहीं, अगर आपका देखते तुक्का चलता है कि नहीं। बट अगर आपने अच्छे से देखा होगा, आपको पता होगा कि ट्रू क्यों आया, फोर्स क्यों आया, तब तो ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता कि अब इसका रिजल्ट क्या आया है, चलो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तुक्का नहीं लगाते, अच्छे समझते हैं कि इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो ट्रू रिजल्ट कब आता है? ट्रू यहां पर तब आएगा जब इसको यहां पर कहीं पर भी ट्रू मिल जाएगा ना, तब रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। बाकी की फिर ये देखेगा ही नहीं कि यहां पर ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है। तो ऐसे ये देखो, सबसे पहले हमारे पास एंड ऑपरेटर है, ठीक है? इसके दो ऑपरेंट है, इसको देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। ए बड़ा है बी से, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है ये, क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गई एंड ऑपरेटर में। अब यहां पर फॉल्स आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों में अगर एक भी ऑपरेटर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, तो यहां पर फॉल्स आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर क्या है। अब यहां पर हमारे पास जो डी है इक्वल टू 22, अब यहां पर ये ट्रू आ गया, तो फॉल्स यहां पर, ट्रू यहां पर। तो और ऑपरेटर में एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, तो अब हमको यहां पर रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब इसके बाद चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमको यहां पर ट्रू मिल गया, ठीक है? अब रिजल्ट यहां पर ट्रू आना चाहिए। दिखाता हूं मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर रिजल्ट, अब यहां पर मैं कर देता हूं रिजल्ट RESULT, और यहां पर सेमिकोलन। तो ये देखो अब हमको यहां पर ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको यहां पर ही ट्रू मिल गया। अब इसको मैं आपको और अच्छे समझाने के लिए, तो यहां तक ट्रू मिल गया ना। अब इसके बाद अगर ये फॉल्स भी होंगे तो कोई बात नहीं, अगर मैं मान लो यहां पर फॉल्स कर दूं, तब भी जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा ट्रू आएगा, ठीक है? अगर मान लो ये हमारा ऐसे है, अब ये भी फॉल्स है, तो फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट पर आएगा, फिर ये चेक करेंगे हम, ठीक है? ये सब फॉल्स हो गए, फिर हम यहां पर देखेंगे सी कितना है, सी यहां पर गलत है, सी स्मॉल में आना है, अपर में नहीं। तो अब देखो, तो सी हमारे पास 9 है, अब ये ट्रू हो गया, तो अब ये इसको नहीं देखेगा, इन सबको नहीं देखेगा, यहां पर इसको ट्रू मिल गया, तो आंसर इसका ट्रू आ जाएगा, ठीक है? तो अब देखना आंसर इसका ट्रू आ गया है। अब अगर यहां पर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर अब ये तो फॉल्स हो गया, अब यहां पर चेक हो रहा है। मैं दिखाता हूं, अगर मैं यहां पर फॉल्स कर दूंगा तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स, देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि अब ये इसको चेक करेगा, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है, बी बड़ा है ए से, हाँ, इसको भी मैं रोंग कर देता हूं। अब देखना अब आगे चेक करेगा, ट्रू मिल जाए बस इसको, जब ट्रू मिल जाएगा तो ट्रू आ जाएगा, फिर आगे का मैटर नहीं करते ऑपरेंट। तो अब यहां पर भी ये, जहां तक तो ये फॉल्स है, अब यहां पर और ऑपरेटर लगा है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है? अगर मैं चाहे ऐसा कर दूं, अब ये फॉल्स हो गया, तो अब यहां पर ये देखते हैं ये क्या है, ये नॉट ऑपरेटर है। पहले ये क्या था? अगर नॉट ऑपरेटर है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है,
ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बी का जो डाटा टाइप है वो मैच नहीं करता। जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वहां पर डाटा टाइप और वैल्यू दोनों मैच करनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू तो मैच कर रही है बट डाटा टाइप मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर जो बी है, बी हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में अगर डाटा टाइप और वैल्यू दोनों सेम होती है तभी रिजल्ट ट्रू आता है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट फाल्स आएगा। फाल्स क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो जो बी है उसका टाइप मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर नंबर में है और यहाँ पर जो स्ट्रिंग में है, इसलिए ये फाल्स है। तो बट यहाँ पर नोट ऑपरेटर लगा है, फाल्स का हो जाएगा ट्रू। तो फाल्स ट्रू यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फाल्स आ गया और यहाँ पर ट्रू आ गया। तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो यहाँ पर रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ये देखो ट्रू आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर नोट ऑपरेटर रहने दूं, अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो फाल्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जैसे कर देते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पर ये चेक हो रहा, पहले तो ये मैटर ही नहीं करता था। अब देखना, अब हमारे पास रिजल्ट फाल्स आएगा। फाल्स आ गया, अगर नोट ऑपरेटर लगा दूं तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसका यूज करते हैं। मल्टीपल जब हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेंड्स लगाते हैं, ऑपरेटर्स लगाते हैं, तो उसमें जब इसको ट्रू मिल जाता है तो रिजल्ट उसका ट्रू आ जाता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी इसको ट्रू मिल जाता, अगर स्टार्टिंग में ही ट्रू मिल जाता तो इसको आगे देखने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा है ना, इन दोनों अगर ट्रू हो जाते तो इन सब का कोई वो नहीं था। अगर मैं इसको फाल्स कर दूं, फाल्स अच्छे से देखो तो रिजल्ट फाल्स है। ठीक है, अभी तो फाल्स है ना। बट अगर ये ट्रू हो जाते, यहां पर बी कितना है, बी यहां पर ए भी बड़ा है और सी भी बड़ा है बी से, क्या ये सही है? ए नहीं बड़ा तो मैं यहां पर ए को बड़ा कर देता हूं, 13 कर देता हूं, और सी को मैं 19 कर देता हूं। अब देखना, अब ये ट्रू हो गया, तो जब ये ट्रू हो गया तो अब इसको फॉल्स होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था, ठीक है, इतना से बस हमारा काम था। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कंडीशनल ऑपरेटर का जरूर पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आराम से इजी वे में बताया है कि कंडीशनल ऑपरेटर का कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है, इतना सा भी डाउट है, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा टाइप्स को देखते हैं।